थैंक यू अश्विनी ये क्वेश्चन करने के लिए। अभी देखो दो डिफरेंट क्लब है, दो डिफरेंट सिटी है। जमशेदपुर एफसी में अभी इस साल ड्राफ्ट में गया, अभी बहुत अच्छा लगने लगा। जमशेदपुर एफसी का जो प्लेयर्स है, स्टाफ है या मैनेजमेंट, सबके साथ हम लोग का अच्छा बॉन्डिंग होने लगा। दिल्ली में भी अच्छा था, 3 साल खेला इधर, बहुत अच्छा मेरा क्या बोल, इधर बहुत अच्छा स्थिति है इधर, मतलब इधर अच्छा हम लोग 2 साल से ही मैंने लाया, अच्छा एक बॉन्डिंग भी हो गया था दिल्ली के लिए। थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो है, लेकिन जब ग्राउंड में उतर जाएगा तब तो थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग 100% कोशिश करेगा जमशेदपुर एफसी के लिए जीतने के लिए। तो नर्वस के बाद नहीं, क्योंकि अभी 4 साल हो गया आईएसएल में, लेकिन क्लब तो चेंज होता रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे जमशेदपुर एफसी के लिए जीतने के लिए इधर दिल्ली में। वो स्पेशल मेमोरी रहेगा, लेकिन दिल्ली जाना वो तो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट आईएसएल क्लब है, तो ऐसे ही है नॉर्मल। थैंक यू। मैं कलकत्ता में बड़ोनगर नरेंद्रनाथ विद्या मंदिर बोल के एक स्कूल है, उसमें मैं पढ़ाई किया हूँ। प्रियंका चोपड़ा, हाँ बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग फर्स्ट जब एटी के साथ हम लोग का जमशेदपुर का फर्स्ट मैच खेला, हम लोग मैं पर्सनली सोचा नहीं था जमशेदपुर में इतना अच्छा क्राउड होगा। हम लोग जब ग्राउंड में वार्म अप करने के लिए जा रहा था तभी देखा ऑलमोस्ट फुल हो गया, तो अराउंड 23,000 ऐसा कुछ ग्राउंड में अटेंडेंस हुआ था। एक्सपेक्ट करूँगा नेक्स्ट मैच में और भी ज़्यादा आएगा। हम लोग फर्स्ट मैच में जैसा चेयर अप किया था सब मिल के, उसी तरह से करना हम लोग कोशिश करूँगा ग्राउंड होम, मतलब हम लोग का होम ग्राउंड में मैचेस जीतने के लिए। अगर पर्सनली बोलेगा तो जमशेदपुर सिटी अभी बहुत अच्छा लगने लगा, उधर बंगालीज भी बहुत होता है, मतलब सभी कास्ट का है, अभी सब हम लोग को प्यार दे रहा है, क्योंकि मैसेज आ रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अच्छा लगता है। फनीस्ट का इन जीएफसी दो है, एक है बेलफोर्ट, दो है अनास।